आपने डाइवर्ट तो कर दिया, लेकिन जो इतिहास और जो बातें जो कही उससे आप दूर भाग गए। आप तो जो बोल रहे थे सत्य नहीं जा पाए, सत्य बोल दिया तो आपकी हालत खराब हो गई, पीछे नहीं जा पा रहे। अरे सत्य बोल दिया तो आपकी हालत खराब हो गई। अगर ममता अपराधी है, अमित शाह अपराधी है। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है डंडा खा करके, उनके डंडे सह करके, उनको डंडा मार करके नहीं लड़ा है। हमने गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे हमारी पूरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सारी लीडरशिप ने हमने अंग्रेजों से डंडा खाया। सुभाष चंद्र बोस कब से आपके लीडर हो गए? उनका डंडा सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। आप छोड़ दीजिए, आप लोगों को अंग्रेजों की पल्लू चाटने वाले थे, आप लोगों को अंग्रेजों का मर्द मान वाले थे, आपने बोले। प्रॉब्लम यहाँ यही है, बोल रहे हैं आप बिल्कुल। लावनी जी प्रॉब्लम यही है, भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास नहीं है सर, उनके पास इतिहास तो बंगाल में बवाल तंत्र क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तीन खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज के पैनलिस्ट का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक पत्रकार और सेफोलॉजिस्ट कहूंगी अब मैं उन्हें, ए के मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नसीम खान साहब और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम त्यागी जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से भी एक खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल यहां पर शुरुआत आज ए के मिश्रा जी आपके साथ करूंगी, और उससे पहले हम चर्चा शुरू करें। मैं आप सभी मेहमानों से एक अनुरोध करूंगी कि जब हम चर्चा करते हैं, स्वाभाविक है कि कई बार उत्तेजित हो सकते हैं, कभी उत्तेजना आ सकती है, लेकिन हम हिंसक ना हो। बंगाल तो हिंसक प्रवृत्ति की तरफ भाग रहा है, लेकिन हम हिंसक ना हो, इसी अनुरोध के साथ शुरुआत एके मिश्रा जी आप ही के साथ। बंगाल की जब भी बात आई है, देखिए कला और संस्कृति की बात हम हमेशा से करते रहे, लेकिन कला संस्कृति के साथ राजनीतिक इतिहास हिंसक दौर का इतिहास रहा है, यह भी हमने देखा है। आज की जो अब तक की तस्वीरें आई हैं, पहला एनालिसिस सर क्या कुछ कहता है? देखिए, अगर लावनी बंगाल की हिस्ट्री में जाया जाए तो जब जब बंगाल में ऐसी चीज़ें हुई है ना, पूरे देश का जो है इतिहास बदला है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज़ादी के पहले से लेके बाद में आप देखिए। और बंगाल की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बताता हूँ, बंगाल के ही बगल में बांग्लादेश है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई वही कविता वहाँ के मुसलमानों ने जो है अपना नेशनल एंथम बनाया है। केवल गुरुदेव जी ही, रविंद्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे लेखक है, दो देशों में उनका चलता है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों। इतना शांत रहा है बंगाल में ही सारे टैलेंट क्यों पैदा हुए हैं, आप देखिए सुभाष चंद्र बोस से लेके। उसका कारण है कि बंगाली लोग, बंगाली कल्चर बड़ा शांत रहते थे, और हमेशा जो उनका ध्यान रहता था ना, वो बौद्धिक का क्रियाकलापों में रहता था, मतलब कलात्मक क्रियाकलापों में रहता था। तो इसीलिए बंगाल की भूमि बड़ी उर्वर रही है। कालांतर में हुआ क्या, पिछले 30-35 सालों तक एक ऐसी आइडियोलॉजी का वहाँ पर शासन रहा, जो आइडियोलॉजी ये बोलती है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि पावर्स कम्स विद द बैरल ऑफ गन, यानी शक्ति जो, मतलब सत्ता जो आती है वो बंदूक की नाल से आती है। मैं वामपंथी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, मैं इनकी बात कर रहा हूं। 30-35 सालों तक पूरी एक जनरेशन पास आउट हो जाती है, दूसरी जनरेशन पैदा हो जाती है इसी शिक्षा के साथ, इसी मेंटल सेटअप के साथ। हुआ क्या, ममता बनर्जी जिन लोगों से जूझ रही थी, जब ममता बनर्जी अपोजिशन में थी तो यही आरोप वो लगाती थी कि फला फला पार्टी हिंसा कर रही है, ये कर रही है, उनको बोलने नहीं दे रही है। अब देखिए, जाके फटे न पीर बेवाई, सो का जाने पीर पराई, अब यही चीज वो आरोप लगा रही है। तो इसका मतलब है कि इसके पहले, यानी ममता बनर्जी और उसके पहले का जो पूरा ये ट्रेड था, आप ये देखिए ट्रेंड जो था वो ट्रेंड ही है। मुझे लगता है ये बहुत जबरदस्त परिवर्तन की जो है एक निशानी है भारत में, क्योंकि बंगाल में जब जब इस तरीके की चीजें हुई हैं, पूरे देश में एक परिवर्तन है। मे बी कि वो परिवर्तन हो सकता है दीदी के फेवर में हो, बीजेपी के फेवर में हो, किसी के भी फेवर में हो, लेकिन एक जबरदस्त परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, परिवर्तन की जब बात हुई है, अब दो पॉलिटिकल बॉडीज, दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, उन छात्रों ने कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर से गुंडे लाए थे, उन्होंने बंगाल के अंदर अशांति फैलाई है। तकलीफ नसीम खान साहब को हो गई ममता बनर्जी का, हमने ऐसे क्यों प्रोजेक्शन किया? चाहिए थे सवाल ममता बनर्जी, अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के, आपने सिंह लगा के राक्षस क्यों नहीं बनाया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी के सिंह लगा के राक्षस क्यों नहीं बनाया? किया है
वो कई सवाल खड़े करता है। ममता बनर्जी के राज में वहां के हिंदुओं की क्या हालात है, ये हमने देखा है। ममता बनर्जी के ममता बनर्जी खुद हिंदू है रामजी, रामजी ममता बनर्जी खुद दुर्गा पूजा करने वाली है, खुद राम को मानने वाली है। आप हिंदू को हिंदू से मत बांटे, वहां आप ये कह सकते हैं बंगाल के लोगों का क्या हाल क्या। आप जब ये कहती है कि हिंदुओं का बुरा हाल क्या, तो आपका एजेंडा सुदर्शन का एजेंडा साफ दिखाई देता है। एजेंडा सर, आप भी एजेंडा सेट करके आए कि तृणमूल कांग्रेस को किस तरह से आपको समर्थन दे रहा है, कहीं ना कहीं से आप एक ओपन गेट जरूर खोल के रखना चाहते हैं। मेरे मित्र बोल रहे थे ठीक है एजेंडा साफ हो, चाहे सुदर्शन का हो किसी का, कांग्रेस का बीजेपी का, एजेंडा साफ होना जरूरी है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे ऐसे भी नेता है ना जो कभी चंदन लगा लेंगे, कभी जनेऊ पहन लेंगे, कभी टोपी पहन लेंगे, कभी भगवा कभी हरा, उनका एजेंडा ही नहीं पता चल रहा है। ऑल पार्टी इंक्लूडिंग मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी पे ये आप एजेंडा मत लीजिएगा। मैं इन नेताओं की कारस्तानी बता रहा हूँ। ये भी बोल दीजिए कि मैं पठान का बच्चा हूँ कह देंगे, पढ़ के आया कीजिए। अरे क्या मुझे बोल तो मैंने दीजिए, आपने देखा नहीं शायद। साहब मैं एजेंडे की बात कर रहा हूँ, एजेंडा सुना रहा हूँ तो सुनिए एजेंडा क्या है। कैसे लोग जो है यहाँ पे, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, मैंने नाम नहीं लिया, आप अपने ऊपर मत लीजिए। जो पल पल यहाँ पे लोग ऐसे बदलते हैं कि कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी किसी को गाली दे रहे हैं, तो जाकर के उसी गंगा में जो है यात्रा हो रही है, हद हो गई, शर्म भी नहीं आती है इन नेताओं को दूसरों को बोलेंगे एजेंडा बदलने की। रही बात भाई साहब, ये मीडिया है, एक कहावत थी पहले, कहावत ये थी कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज में जो जैसा होता था। प्रेमचंद्र ने कितनी कहानियां लिखी है, एक फिल्म में जो नायक है, जो विलेन है, जो कैरेक्टर है, तो जिसका जो हुआ वो लगा करके दिखा दिया। आप भी लगा के दिखा दो, आपकी भी मीडिया है आपके पास, आपका अपना अखबार होगा, ये होगा, पोस्टर होगा, बैनर होगा, सारे नेता यही कर रहे हैं, करिए। मिश्रा साहब, दरअसल यहाँ पे क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, जब ये सब शब्द आने लगता है यहाँ पर, अगर मीडिया कुछ दिखाती है तो वो कई तरीके के सवालों के घेरे में आ जाती है, वो किसी पार्टी के स्पोक पर्सन बना दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि सच दिखाने में गुरेज क्यों है। आज नसीम खान साहब उस पोस्टर पर या एक तस्वीर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन नसीम खान साहब आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो गुंडागर्दी दिखाई है उसके लिए भी टीएमसी के खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए। और उस धमकी के बाद जो तस्वीरें आई उस पर चर्चा करेंगे। তাই দেখবেন আয়নাতে, মনে রাখবেন ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব, একদিন আসবে যারা আজকে এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা বদলা নেব। তাই দেখবেন আয়নাতে, মনে রাখবেন ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব, একদিন আসবে যারা আজকে এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা বদলা নেব। आप नेशनल टीवी पर हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो जनता जिसके लिए आप चुनावी मैदान में उतरे हैं वो भी देख रही है आपको। ये बस ये सारी बातें सुनकर ना वो आपको क्या समझेगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एके मिश्रा जी, आप देख रहे हैं कि ये एक एक एक, एक ये भी आपने देखा कि एक वीडियो वॉर भी है, एक ऑडियो वॉर भी है। और ये देखिए, बहुत दिनों से जैसे जो भी डिबेट वगैरह होती है मैं देखता हूँ, टीएमसी के अंदर इनके नेताओं के अंदर एक जबरदस्त हट धर्मिता टाइप की है। हट धर्मिता, अगर प्यार मोहब्बत है भी तो वो एक बड़े लिमिटेड बड़े उन लोगों के लिए है। उसके पीछे शायद रीजन ये हो सकता है कि जब वामपंथी की सरकार थी 25 साल 30 साल 40 साल तो ममता बनर्जी को भी, ममता दीदी को भी ऐसे ही सब चीज़ें सहना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था, बहुत बार उनको सड़कों पर उतरना पड़ा था, कई बार ये चीज़ होता रहा है लगातार 30-40 जो है सालों से। तो कैरेक्टर्स अभी भी है, वो उनके स्टेटमेंट से दिख रहा है। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं चलिए एक चीज़ मानता हूँ कि और सारी पार्टियाँ, एक ममता का, ममता दीदी का हृदय ममता से परिपूर्ण होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अगर आप इतने स्ट्रांग हैं, अमित शाह क्या, हजारों अमित शाह अगर उतर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर को उतरने दीजिए, क्या दिक्कत है। और सारे नेताओं को मैं बोलता हूँ क्या दिक्कत है साहब, करने दीजिए रैली। और पुलिस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। ममता दीदी तो वैसे भी विचारों से बड़ी दृढ़ है, एक डंडा कोई रैली में निकालिए, 100 पुलिस वालों को भेजिए और पकड़ करके कार्रवाई करिए। सारा शासन प्रशासन आपके हाथ में है, जोर कहां नहीं चल रहा है सर। संतोष जी जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, फिर नसीम खान साहब के पास जाऊंगे। इतनी दृढ़ प्रत्यय की ममता दीदी कमजोर क्यों दिख रही है, जवाब सुन लेते हैं। सीबीआई से लेके सबको बंगाल में लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस को परेशान करे। अरे सर एक बात ये बताइए, आप लोग यही तो सवाल हम भी पूछ रहे हैं ना कि आप इतने साफ सुथरे क्यों हैं। 30 साल तक जो सूरज कभी डूबा नहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट का, उसको ममता दीदी ने अकेले जो है कर दिया, इतनी हिम्मती महिला, और उनकी हिम्मत छूट गई है सर। ये तो आप नाक कटा रहे हैं अपने लीडर की। मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट को कोई हटा नहीं पाया, बीजेपी और कांग्रेस ने भी समर्पण कर दिया था।
ये केवल एक महिला थी ममता दीदी जो इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ थी और आप उनको बोल रहे हैं कि एकदम से लाचार है। आप अपनी नेता को लाचार क्यों बता रहे हैं सर? ममता बनर्जी दिल्ली में बैठेंगी, आप देखिएगा। चलिए दिल्ली में बैठेंगी, नसीम खान साहब दिल्ली में बैठेंगी ममता बनर्जी। लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया, बोली हम मीटिंग में नहीं आएंगे सर, अभी पहले चरण में मना कर दिया। अलायंस के लिए तो उन्होंने दरवाजा खोल रखा है ना सर, आप भी देखिए। बात यह है कि धीरे धीरे सब कुछ गुल खिल रहे हैं। अभी गुल वाली थी न्यूज आई, दीदी ने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे। वो इसलिए थी क्योंकि वो समीक्षात्मक बैठक थी फैनी को लेकर, जनता की अगर इतना सोचती तो शायद उसमें जाना उचित समझती। बहरहाल जनता को दो सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपने दो तीन नाम लिए, मैं सिर्फ बहुत सिंपल से आपको एक बात याद दिला दूं कि आपने अभी अभी भगत सिंह जी का जिक्र किया, लेकिन भगत सिंह जी को क्रांतिकारी नहीं, किस तरीके से उन्हें वो शब्द भी मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, आतंकवादी तक बता दिया गया। आज तक आपकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया होना चाहिए, स्पेशली हिंसा के मामले में। अहिंसा वाले देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे बहाना कोई भी हो। ठीक है, आपने अच्छी बात कही, अहिंसा के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अभी नसीम खान साहब, आप गांधीवादी की बात करते, 1977 के पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी थी और कांग्रेस के इतिहास में भी हत्या का एक इतिहास जुड़ा हुआ है सर। वामपंथी आपको किस तरह से क्रॉस करके आए, पहले आप ही थे 1977 में, यह भी एक सच्चाई है, यह भी एक हिस्ट्री है, इससे दूर हट पाएंगे क्या? मैं लावनी जी, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की बात पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना चाहूंगा कि ये सरासर हम जो इस बात को कहते हैं कि कहते थे कि इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है, यहां हिंसा अमित शाह और टीएमसी ने की है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में हिंसा हुई है, इसमें कांग्रेस का क्या दोष है? कांग्रेस को चुनाव प्रचार करने से क्यों रोका? हमारा क्या दोष है? या अदर जो बंगाल के अंदर निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी थे या निर्दलीय लोग थे, उनका क्या दोष है? हमारे दो दिन प्रचार के लिए क्यों रोके? ये भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की साजिश है कि इस देश के अंदर प्रचार करने से उन पार्टियों को रोक दिया गया जो पार्टी इस हिंसा में दोषी नहीं। अगर प्रतिबंध लगना था तो अमित शाह की रैली पे लगना था, ममता बनर्जी और लाखों सिखों को मारा गया था। क्यों मारा गया? क्या बोल रहे हैं? आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं? चुनाव प्रचार की बात आ रही, अब क्या बोल रहे हैं? भाजपा का एजेंडा छुपा हुआ, ये लिखो। अरे हमारा प्रचार करने के दो दिन व्यक्तिगत नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जनता से अपील करते हैं, आपने जो बोला उसी का जवाब है। बंगाल के नौजवान, आप राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि करते आप हो भोक्ता कोई है। वोट मांगते हैं, अपील वो करते हैं, क्यों क्यों अमित शाह और ममता की लड़ाई में हमें पहली चीज पहले अगर आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी इलेक्शन कमीशन काम करो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। नसीम खान जी आपने डाइवर्ट तो कर दिया, लेकिन जो इतिहास और जो बातें जो कही उससे आप दूर भाग गए। आप तो सत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, तो आपकी हालत खराब हो गई। पीछे नहीं जा पा रहे, अरे सत्य बोल रहे हो तो आपकी हालत खराब हो गई। अगर ममता अपराधी है, नसीम खान साहब और शिवम क्या करें? शिवम नंबर हिंदू मुसलमान प्यार के साथ रहेगा। हो गया सर, प्यार तो आपकी भाषा से समझ में आता है, प्यार आपकी भाषा से समझ में आता है। कितना प्यार है? एक मिश्रा जी, एक अपडेट आ रहा है और उसपे उसी के कमेंट के साथ में खत्म करूंगी। एक अपडेट यह आ रहा है कि ममता बनर्जी के गृह सचिव को यह कहा जा रहा है कि उन्हें हटा दिया गया है, उनको ये इस वक्त का भी राइट नाउ ये अपडेट आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वो ये लिया हुआ है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इलेक्शन कमीशन जितने भी निर्णय ले रहा है ठीक है, कोई पार्टी हारे या जीते, लेकिन हिंसा हर हाल में रोकनी चाहिए। गांधी जी भी उस चीज के लिए अनशन पे बैठे हुए थे और बंगाल में ही बैठे थे। भविष्य क्या दिख रहा है बंगाल का? बंगाल का भविष्य सबकी बार बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। कांग्रेस तो देखिए वहां पे है, लेकिन बीजेपी और इन दोनों में बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। चलिए, उथल पुथल होने वाली है, बंगाल में परिवर्तन की बात हो रही है, लेकिन ये परिवर्तन किस दिशा में जाएगा, उससे पहले जो रक्त चरित्र सामने आ रहा है उस चरित्र से बचने की कोशिश करनी चाहिए थी, नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन का चाबुक चल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए। आज बस इतना ही, जय हिंद। दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। की सोच रही है सियासत की, ये तो सभी देख रहे हैं। नसीम खान साहब, ममता बनर्जी एक समय आपका हिस्सा भी रही हैं
और आपके हिस्से से टूटकर ही तृणमूल कांग्रेस उन्होंने बनाया। आज एक बार फिर से कांग्रेस से जब ये सवाल पूछा जाता है, आपने, मैं फिर कहूंगी कि आपके अकेले उस बयान का मैं स्वागत करती हूं जिसमें आपने टीएमसी का विरोध किया, इस तस्वीर को गलत ठहराया अकेले नसीम खान साहब ने। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है डंडा खा करके, उनके डंडे सह करके, उनको डंडा मार करके नहीं लड़ा है। हमने गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे हमारी पूरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सारी लीडरशिप ने, हमने अंग्रेजों से डंडा खाया। सुभाष चंद्र बोस कब से आपके लीडर हो गए? उनका डंडा प्रॉब्लम यही है भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास नहीं है, उनके पास इतिहास नहीं है। क्या दोष है या अदर जो बंगाल के अंदर निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी थे या निर्दलीय लोग थे, उनका क्या दोष है? हमारे दो दिन प्रचार के लिए क्यों रोके? ये भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की साजिश है कि देश के अंदर प्रचार करने से उन पार्टी को रोक दिया गया जो पार्टी इस हिंसा में दोषी नहीं। अगर प्रतिबंध लगना था तो अमित शाह की रैली पे लगना था। अरे मैं बताऊं आपको, ममता बनर्जी की रैली पे बताऊं क्यों लगा है? मैं बताऊं क्यों नहीं लगा है? पार्टी के प्रचार में क्यों लगाई गई? हमारे साहब इसलिए लगा है क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की थी सतवंत सिंह बेअंत सिंह ने और लाखों सिखों को मारा गया था। क्यों मारा गया? क्या बोल रहे हैं? आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं? क्या चुनाव प्रचार की बात आ रही? अब क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं? आपको जानकारी नहीं? भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है? अब भारतीय जनता पार्टी का एजेंट? मेरे कहने का मतलब है भाजपा का एजेंट खून भी पीस जाते हैं। भाजपा का एजेंट है ये लिखो, भाजपा का एजेंट छुपा हुआ ये लिखो। अरे हमारा प्रचार करने के दो दिन व्यक्तिगत नहीं, हम जनता से अपील करते हैं। आपने जो बोला उसी का जवाब है। बंगाल के नौजवान, आप राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि करते आप हम भोक्ता कोई है। वोट मांगते हैं, अपील करते हैं। क्यों अमित शाह और ममता की लड़ाई में हमें पहली चीज पहले अगर आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी पार्टी इलेक्शन कमीशन काम नसीम खान जी आपने डाइवर्ट तो कर दिया, लेकिन जो इतिहास और जो बातें जो कही उससे आप दूर भाग गए। आप तो नहीं बोल रहे सत्य बोल दिया तो आपकी हालत खराब हो गई। पीछे नहीं जा पा रहे। अरे सत्य बोल दिया तो आपकी हालत खराब हो गई। अगर ममता अपराधी है, अमित शाह अपराधी है, कमाल मानना पड़ेगा। नसीम खान साहब और शिवम चौधरी जी, ठीक है, एक मिनट शाह जी, एक मिनट शाह जी, और देखिए आज एक मौन जुलूस का एक मौन जिस तरह से रखा गया है, एक विरोध कर किया गया है, शिवम त्यागी जी ये एक तरीका है, नसीम खान साहब जी ये भी एक तरीका है। नसीम खान साहब और शिवम त्यागी, उसी के कमेंट के साथ मैं खत्म करूंगी। एक अपडेट ये आ रहा है कि ममता बनर्जी के गृह सचिव को ये कहा जा रहा है कि उन्हें हटा दिया गया है, उनको ये इस वक्त का भी राइट नाउ ये अपडेट आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वो ये लिया हुआ है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इलेक्शन कमीशन जितने भी निर्णय ले रहा है ठीक है, कोई पार्टी हारे या जीते, लेकिन हिंसा हर हाल में रोकनी चाहिए। गांधी जी भी उस चीज के लिए अनशन पे बैठे हुए थे और बंगाल नहीं बैठे थे। भविष्य क्या दिख रहा है बंगाल का? बंगाल का भविष्य सबकी बार बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। कांग्रेस तो देखिए वहां पे है, लेकिन बीजेपी और इन दोनों में बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। उथल पुथल होने